किसी मस्जिद जो मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा सकते हैं, मस्जिद तोड़ सकते हैं, दरगाह अटैक कर सकते हैं, कुछ ऐसा सोच है ना, बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ऐसे सोच लेकर इस देश के प्रधानमंत्री बहुत नाटक किए थे। अब की बार 400 पार, यही 400 पार होने के बाद यही धंधा, इनका यही प्लान था, इन लोगों का, बीजेपी लोगों का, यही 400 पार के लिए ये लोग ये कर रहे थे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, यहाँ मुसलमानों की रिजर्वेशन खत्म करेंगे, 4% जो रिजर्वेशन है उन लोगों को रिजर्वेशन खत्म करेंगे। वहां की जो सरकार है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। राजनीति जो सियासत कर रहे हैं, जातिवाद जो सियासत कर रहे हैं, इनको अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो वहां के अवाम, वहां के तमाम सेकुलर लोग, जो दलित मुस्लिम ओबीसी हमारे भाई, मिलकर उनको सबक सिखाना है। जय भीम, जय टीपू सुल्तान, नमो बुद्धाय। आज इस देश में बहुत सारे इंसिडेंट इलेक्शन के बाद भी हो रहा है। कल परसों बीजेपी कुछ लीडर्स लोग ओपनली धमकी दे रहे थे कि सबके साथ सबके विकास, ये ऐसा नहीं बोलना, हमारे साथ जो देता उनके साथ हम देंगे, दूसरों के साथ कुछ भी नहीं है कोई भी हो। ये ओपनली बीजेपी का, यूपी का जो लीडर है, उन लोगों के जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर जो लिंक है, अमित शाह जी के साथ जो लिंक है, उन लोगों ने ओपनली गुंडा कर दी, गुंडे जैसे बात कर रहे थे, वो वायरल भी हो रहे हैं। और एक कल परसों 16th ऑफ दिस मंथ, ये जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर ऐसा प्लेस है समानता के लिए और रिजर्वेशन के लिए, इस देश के, इस समाज के सब लोग एक ही विचार से जीना, जो इस देश को एक बढ़िया राह दिखाया छत्रपति साहू महाराज ने, उस एरिया में जो गाजीपुर विलेज दरगाह की फोर्ट को जो है, वहाँ कुछ गुंडे लोग जो दरगाह में अटैक करके तोड़ मस्जिद फोर्ट बोलते हो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आते हो डायरेक्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आते हैं, उसका सुपर्द में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट भी करना है, और हिस्टोरिकल प्लेस है वो। उस जगह में ये जो टेरर जैसा अटैक होता है, बहुत खतरनाक अटैक हो गया। ये संभाजी राजे जो छत्रपति भोसले बोल के, शिवाजी महाराज के जो डायरेक्ट वंशज आता, उनके नेतृत्व में वो लीड कर रहे थे दंगाखोरों को लेकर, मस्जिद के पास आए, मस्जिद के पास आकर वहाँ मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ करके वहाँ आग लगा के, जो मस्जिद के ऊपर भी गए वो लोग, और मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा भी लहराए वो लोग, और वहाँ तोड़ फोड़ भी किए, और अगल बगल के जितना भी मुसलमानों के घर है, मुसलमानों के घर में घुसे, मुसलमानों के घर भी लूटा वो लोग, और लूट मार करके, और वहाँ जो तो वातावरण, तनाव वातावरण निर्माण किए वो लोग, ये जो अच्छी बात नहीं है, हम कंडेम करते हैं। वहाँ की जो कोल्हापुर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोल्हापुर एडमिनिस्ट्रेशन, जो SP हो, वहाँ की DC हो, सब कंडेम किया, और एक्सट्रिंजेंट एक्शन के लिए वो लोग बात भी किए वो लोग। ये जो फडणवीस, वहाँ की शिंदे एंड फडणवीस, ये इनकी सरकार है बीजेपी के, ये अभी और नेक्स्ट नवंबर दिसंबर इलेक्शन में होने वाले बता रहे, वो इलेक्शन के टाइम में इस देश में दंगा फसाद, ये लोग संघ परिवार के जो सोच वाले बीजेपी के लोग, गुंडे लोग है, वो डायरेक्टली पर्पजली वो लोग किया है, इधर इलेक्शन फायदा के लिए कुछ ये लोग किया है। तो ये लोग ऐसा नहीं सोचना कि हमारे वहाँ शिंदे एंड फडणवीस की सरकार है, सरकार हमारे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी घर जला सकते हैं, किसी घर लूट सकते हैं, किसी मस्जिद जो मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा सकते हैं, मस्जिद तोड़ सकते हैं, दरगाह अटैक कर सकते हैं, कुछ ऐसा सोच है ना, बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ऐसे सोच लेकर इस देश के प्रधानमंत्री बहुत नाटक किए थे। अब की बार 400 पार, यही 400 पार होने के बाद यही धंधा, इनका यही प्लान था, इन लोगों का, बीजेपी लोगों का, यही 400 पार के लिए ये लोग ये कर रहे थे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे,
यहां मुसलमानों के रिजर्वेशन खत्म करेंगे, 4% जो रिजर्वेशन है उन लोगों को रिजर्वेशन खत्म करेंगे हम, और उनको सेकंड लाइन के सिटीजनशिप दे देंगे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उस हिसाब से इंडिया इंडिया को ये करेंगे हम, मनुवाद लेकर आएंगे, यही सोचते हैं उन लोगों के। लेकिन 2024 जो इलेक्शन है, यहाँ की इस देश के जो मूल निवासी दलित एंड मुसलमान एंड ओबीसी के लोग, आदिवासी लोग, हम लोग जागरूक हो गए। ये जो अगले जो आने वाले जो खतरनाक देश खतरनाक दिन के लिए हम प्लान करके मोदी सरकार को हमने हराए, यही जो प्लान। अब जो महाराष्ट्र में ये शिंदे एंड फडणवीस के जो सरकार के लोग, ये अभी ये गाजीपुर विलेज में ये मस्जिद जो ध्वंस किया है बहुत खतरनाक है, और ये खतरनाक इतना ही नहीं बोलना, अभी ये टेरर अटैक बोला, टेररिस्ट अटैक, ये जो टेररिस्ट अटैक इस देश में हो रहा है ये नहीं होना है। और ये भी नहीं सोचना कि मुसलमान में कोई मुसलमान के लोग कोई डर रहे है और उनको कुछ पूछने वाला कोई नहीं है, ये नहीं सोचना। इस देश के जो गुंडे लोग, इस देश के मनवादी लोग, इस देश के बीजेपी के जो ये ना सरकार चलाने वाले लोग, हमें इतना कमजोर मत समझो। नावेन नहम जो कैयाग बांगड़ी कैयाग बड़िया कुंदी ये तुम लोगों के तमाश देखने के लिए नहीं बैठे हम लोग। ये याद रखो तुम लोग, ये मास्क दो, ये जो मस्जिद तोड़ने के लिए तुम आए थे उधर, आग लगाए उन लोग आए ले, तुमने क्या किया, खुलाड़ लेकर आए, राड लेकर आए तुम लोग, और लाठी लेकर आए तुम लोग, किसको मारने के लेकर आए थे, किसको मारने के लिए लेकर आए थे तुम लोग। ऐसा हमें कमजोर मत समझो, कमजोर मत समझो, हम कमजोर नहीं है, हम देश का रक्षा करने वाले लोग हैं। हमारे देश में तोड़फोड़ नहीं होना है, हमारे देश के लैंड ऑर्डर को डैमेज नहीं होना है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करने वाले लोग हम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेशन नहीं होना है। इस देश के सभी लोग हमारे साथ, हम भाई बंधु बनकर रहना है बोल के हम चुप हो रहे, नहीं तो कब का ये जो नाटक कर रहे हैं तुम लोग, कुत्ते के जैसे भगा के मार डालते हैं हम लोग, कुत्ते के जैसे भगा के मारने वाले लोग हैं हम लोग, ऐसे इतना कमजोर मत समझिए हमें। ये जो है महाराष्ट्र सरकार की जो शिंदे एंड फडणवीस, वहां जुडिशियल इंक्वायरी करना अभी इमीडिएटली, और जो भी गुंडे लोग है, ये जो संभाजी राजे, हाँ संभाजी राजे, ये छत्रपति भोसले शेर शिवाजी महाराज के जो वंश थे, और वहां बोलते कि हाँ जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, ये जय भवानी ऐसे बोले थे, देश दूराज किसी घर लूटने के लिए बोली थी, वो किसी की मस्जिद में घुसने के लिए बोली थी जय भवानी। शिवाजी महाराज, क्या तुम लोग शिवाजी महाराज के इतिहास मालूम है, शिवाजी महाराज के उसके छत्र शिवाजी महाराज के जो जो कमांडर थे, जो मिलिट्री मैन तो उनका लीड करते थे, वो लोग कौन थे मालूम है तुम लोगों को, शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड लोग कौन थे मालूम है तुम लोगों को। जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, ये श्री राम श्री राम श्री राम, ये श्री राम बोलते मुंह में मट्टी होगी तुम लोग, सत्यानाश होगा तुम लोग 2024 इलेक्शन में। तो मैं अपील करता हूं यहां की सर देश के सब पूरे दलित मुसलमान और ओबीसी और जो आदिवासी लोग भाई लोग है, ये जो सवर्ण लोग इलेक्शन के टाइम में ये जो नाटक करते हैं लोग, इस नाटक का समझना चाहे हमें, हमें यूनाइट होना है। 2024 में जैसे यूनाइट हो गए थे, एक हो गए थे, ये जो विध्वंसकारी शक्ति जो 26 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद ध्वंस किए थे लोग, वही प्लान से हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, वो उसका जो प्लान वो तोड़ने के लिए हम एक होना है, और भी जागरूक होना है, और भी यूनाइट होना है, और भी इन लोगों के इन गद्दारों के साथ संघर्ष भी करना है हमें, लैंड ऑर्डर मेंटेन भी करना है हमें, जो हम या दलित सेने ये कर्नाटक दो इसको खंडन करते हम ये ठीक बात नहीं हो गए। जो बाबा साहेब अम्बेडकर जिस एरिया में पैदा हो गए थे, छत्रपति साहू महाराज जिस एरिया में राज किए थे, संत गाड़गे बाबा जिस ये किए थे, बहुत सारे देश क्रांति कर इंडिपेंडेंट के लिए लड़ाई किए थे, उस जगह पर ये जो खतरनाक देशद्रोही लोग, समाजघातक शक्ति वहां पैदा हो गए हैं,
वो समाजगत शक्ति को ये जो बर्बाद करने के लिए हम पूरा तैयार होना है, हम और एक होना है बोल के मैं सबसे अपील करता हूँ। ये जो छोटे मोटे जो होता है अभी इसके लिए हम भी तैयार करना। ये 24 नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र में जो इलेक्शन शुरू होता, ये महाराष्ट्र इलेक्शन में ऐसा सबक सिखाना है हम इन लोगों को जिंदगी भर याद रखना बोल के। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। मैं मोहम्मद अशरफ, पहले तो हमारे राज्य अध्यक्ष श्री हनुमंत जी अलसंगी सर का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आए दिन मुसलमानों पर जो भी अत्याचार होती है, जो भी जुल्म व ज़ाती होती है, तो हमारे राज्य अध्यक्ष हमारे साथ शाना बाशाना खड़े रहते हैं। और सो कॉल्ड लीडर्स को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोल्हापुर में एक मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ कर कर जलाया गया और कुरान मस्जिद को जलाया गया और कुरान मस्जिद की बेहुर्मती की गई, मैं सो कॉल्ड लीडर से पूछना चाहता हूँ, छोटी मोटी सियासत के लिए ये जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है और जो जाने अनजाने में नासमझ होकर मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं जय श्री राम बोलकर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग ये जो कर रहे हो ये श्री राम ने बताया है? क्योंकि कहीं ना कहीं नाम खराब करने का स्लोगन लगाकर आप लोग ये काम कर रहे हो, और वहां की जो सरकार है सरकार को शर्म आनी चाहिए। राजनीति जो सियासत कर रहे हैं, जातिवाद जो सियासत कर रहे हैं, इनको अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो वहां की अवाम, वहां के तमाम सेकुलर लोग जो दलित मुस्लिम ओबीसी हमारे भाई मिलकर उनको सबक सिखाना है। जैसे कि 6 दिसंबर में मस्जिद को शहीद किया गया था, कहीं ना कहीं फिर एक बार ये दोहराया जा रहा है, और घरों में घुसकर उनके सोना चांदी पैसे को लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये राम के नाम पर दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, लूटमार हो रही है। तो मैं फिर एक बार वहां के हुकूमत से अपील करता हूं, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है। जय भीम, जय टीपू सुल्तान।